Hi students, you are warm welcome in mathematics class again. This is Gautam Kashyap before you to teach you maths. मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सब exercise 1.2 से related कुछ problems का solution यहाँ करेंगे और बहुत अच्छे से इसको जानने का प्रयास करेंगे. इससे पहले कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया था, आज दो और तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे. एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th का है. इसमें अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, थोड़ा सा उसको पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि चेक वेदर 6 to the power n एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. यानी कि यह हमको दिखाना है कि 6 to the power जो n होगा क्या वह कभी जीरो पे समाप्त हो सकता है. यानी कि फाइनली 6 का कुछ अगर पावर रखते हैं उस पे और उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या उसके का लास्ट डिजिट दैट इज यूनिट डिजिट क्या कभी जीरो हो सकता है, यह चेक करना है और उसको आपको बताना है विथ लॉजिक बताना है आपको कि अगर ऐसा हो सकता है तो कैसे और ऐसा नहीं हो सकता है तो कैसे. तो इस क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटी सी बात जो क्लास 6 और 5 में आप लोगों ने पढ़ा था उसको थोड़ा सा हम रिमाइंड करवा देना चाहते हैं, रिकॉल करवा देना चाहते हैं. वह है क्या कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी. याद करिए कि जब आप 5 या 6 में थे तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ाया गया था. उसमें बताया गया था कि द सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 3 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 3. इसी क्रम में रूल्स डिविजिबिलिटी का रूल्स 5 का जो है वह है कि किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे 0 और 5 अगर होता है तो वह 5 से डिविजिबल हो जाता है. यानी कि इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे अगर 0 है तो इसका मतलब है कि 5 उसका एक फैक्टर होगा, 5 उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, 5 इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा. तो वह एक डिविजिबिलिटी का रूल्स है जिसका यूज हम लोगों ने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा किया है. और फंडामेंटल लॉ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आप लोगों को पहले बताया गया होगा, ध्यान होगा कि कोई भी जो कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में हम लोग दिखा सकते हैं और वह जो फैक्टराइजेशन होता है वह यूनिक होता है. यूनिक इस सेंस में कि उसमें फैक्टराइजेशन करने पे जो हमको प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट जो दिखता है वह बिल्कुल एक जैसा होता है. आप ऐसा नहीं कि एक बार कर रहे हैं तो आपको दूसरे नंबर्स मिलेंगे और उसके बाद जब दूसरे बार आप करिएगा तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिट्स या नंबर्स आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वह यूनिक होता है. हाँ, उसमें एक बात है जो हमको ध्यान रखना होता है कि उसका ऑर्डर जो होता है फैक्टराइजेशन जो हम करते हैं उसमें फैक्टर्स का जो ऑर्डर होता है वह चेंज हो सकता है, यानी कि यूनिक हो सकता है. तो इन्हीं दो बातों को बेस बना करके इस क्वेश्चन को बनाया गया है. तो आइए सोल्यूशन पर एक नज़र हम लोग डालते हैं और सोल्यूशन को देखने का प्रयास करते हैं. चेक क्वेश्चन है कि चेक वेदर 6n एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. यानी कि n जो है वह नेचुरल नंबर है, 6 का पावर n है, यानी कि 6 पे कुछ भी अगर हम लोग मतलब है कि डाल रहे हैं, जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे 6 का पावर n की जगह पर 2 डाल दिया हम लोगों ने, 6 × 6 क्या हो गया 36 हो गया, 6 पे क्या कर लिया हम लोगों ने 3 डाल दिया, 6 × 6 × 6 क्या आ गया 216 आ गया. यानी कि यह जो यहाँ n का जो पावर है वह हम कोई भी अगर नेचुरल नंबर डालेंगे तो यहाँ हम देख पा रहे हैं यहाँ जब 2 डाला हम लोगों ने तो 6 पाया, 3 डाला तो हम लोगों ने 6 पाया, 4 डाले तो कुछ भी. तो कहने का मतलब है यह क्वेश्चन आप हम लोगों से यह चेक करवाना चाहता है कि क्या इस 2 के जगह पे इस 3 की जगह पर कोई ऐसा नेचुरल नंबर है कि डालेंगे तो जब हम उसको फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो लास्ट होगा दैट इज इसका जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा वह 0 हो सकता है या कि नहीं है, उसको आपको चेक करके बताना है. तो वही है चेक वेदर 6n एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. तो आइए एक बात बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा कि इफ एनी नंबर ends with 0 then 5 must be a factor of that number. अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी कि अगर कोई भी नंबर अगर 0 पे समाप्त होता है उसका यूनिट डिजिट अगर 0 है तो 5 से एकदम डेफिनेटली क्या होगा डिवाइड होगा, यानी कि 5 उसका एक फैक्टर होगा, वही यहां पे लिखा. नाउ वी हैव 6 टू द पावर n, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 6 दैट इज 2 × 3 पावर n. एंड बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम लोगों को क्या सिखाता है,
फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम लोगों को यह सिखाता है कि किसी भी नंबर का जो फैक्टराइजेशन जो होता है वह यूनिक होता है। यानी हम कह सकते हैं कि 6 का जो फैक्टराइज करेंगे, 6n का जो फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे, तो 2 × 3 n के अलावा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, इसमें एक बात हो सकता है कि 3 की जगह पर 2 और 2 की जगह पर 3 हम लोग कर सकते हैं, तो यह फैक्टराइजेशन हो गया। एंड बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर इज यूनिक। किसी भी नंबर का क्या होता है? यूनिक होता है। तो यहाँ से एक बात क्लियर निकल करके सामने आ रही है कि इसके फैक्टर्स में 2 और 3 यानी कि इसके फैक्टर्स में 5 कहीं से नहीं है, 5 कहीं से नहीं है। और एक दूसरे तरफ कि अगर वह 0 से समाप्त होता है, इसका अगर किसी भी नंबर का यूनिक डिजिट 0 है तो 5 मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 अगर 0 पे एंड होता है तो 5 फैक्टर होना चाहिए, पर यहाँ फैक्टर 2 और 3 है, यानी कि यहाँ से एक क्लियर हो रहा है कि इसमें फैक्टर 5 नहीं है, फैक्टर 5 नहीं है, और फैक्टर 5 होने का गुंजाइश है भी नहीं क्योंकि फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। सो क्लियरली यहाँ स्पष्ट है कि 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 to the power n, यानी कि 5 जो है 6 to the power n का क्या है, फैक्टर नहीं हो सकता है और नहीं है। हेंस 6n नेवर एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। और तब जाकर के हम यह कह सकते हैं कि 6 to the power n जो है वह कभी भी 0 के साथ समाप्त नहीं हो सकता, यानी कि उसके यूनिट डिजिट पे 0 नहीं आ सकता। तो यह क्वेश्चन नंबर 5 था हम लोगों का। अब इसमें थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं, 6 को थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, सो ध्यान दीजिएगा। हम लोगों को 6 जो क्वेश्चन है उसमें बताना है, ध्यान दीजिएगा, 6 जो क्वेश्चन उसमें बताना है ध्यान दीजिएगा। 6 का एक दो क्वेश्चन है इसमें, एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें यह एक डाटा है आपके सामने दिया हुआ है और कह रहा है कि चेक इट इज प्राइम और कंपोजिट, प्राइम और कंपोजिट। यह क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको यह बताना है, यह चेक करना है कि यह प्राइम है या कंपोजिट है। तो एक बात थोड़ा सा आप लोगों को पता है, बहुत अच्छे से पता है, लेकिन जस्ट रिकॉल हम आपको प्राइम और कंपोजिट के बारे में एक एक लाइन बता दे रहे हैं जिसे आप क्लियर कर पाइएगा। बहुत ही आसान से शब्दों में इसको समझना है, कंपोजिट नंबर जो होता है, अ नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, अ नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, एक ऐसा नंबर जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, अ नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होता है उसको हम लोग कंपोजिट नंबर्स में रखते हैं। अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स नेमली 1 and itself, एक ऐसा नंबर जो 1 और खुद से कटे उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान हम लोग देंगे, 3 It has only 2 factors, 1 or 3. It is prime. Whereas 4, 1, 2, 4. It has more than 2 factors. That is a composite हो गया। जिसमें 2 factors होगा वह prime, जिसमें 2 से ज्यादा होगा वह composite। तो यहाँ पे data दिया हुआ है और आपको यहाँ बताना है कि यह prime है या composite है। तो थोड़ा सा उसको हम इसके solution की कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देंगे। We have टेक 13 एज कॉमन, यहां हम लोग क्या किया, हम लोगों ने कि 13 इस टर्म में भी था और इसमें भी कॉमन ले लिया, यहां पे 7 × 11 बच गया, यहां पे प्लस 1 क्योंकि 1 हर यूनिवर्सल फैक्टर होता है, इसलिए वहां यहाँ पे 1 हो गया। 11 7 या 77, यहाँ प्लस 1 78 हो गया। हम लोग 78 को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है, स्कोर हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं क्लियरली, वी कैन सी दैट, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इट हैज मोर देन टू फैक्टर, इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स। तो हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया कि अ नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स देन इट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो यहां हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स, सो यहां पे लिखेंगे
क्लियरली वी ऑब्जर्व ऑब्जर्व दैट इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स हेंस थर्टी इज कंपोजिट कंपोजिट तो इसी तरह से इस पे दूसरा भी क्वेश्चन है तो क्या कहते हैं उसको आप लोग बनाएंगे तो आज का होमवर्क एज ए होमवर्क आप लोगों का हुआ कि एक्सरसाइज 1.2 को फिर से बनाना है। कल हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का में रूट थ्री को इरेशनल्स कैसे दिखाया जाता है उससे पहले थोड़ा सा एक छोटा सा थ्योरम है उसको डिस्कस करेंगे पढ़ेंगे। तो टुडेज होमवर्क ऑफ आवर्स इज सॉल्व एक्सरसाइज 1.2। बाय एंड टेक केयर।